ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को उनके 80वें जन्मदिन पर बधाई दे सकते हैं। वो महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन के समय देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को ताना दे सकते हैं, मगर उनका अपना सांसद, विवादास्पद सांसद प्रवेश वर्मा, जो लगातार देश को शर्मिंदा कर रहा है, भड़काऊ बयान दे रहा है, विवादास्पद बयान दे रहा है, उसको आप बुलाकर एक सबक नहीं दे सकते, उसके कान उमेट कर यह नहीं कह सकते कि तुम देश को इस तरह से क्यों शर्मिंदा कर रहे हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा पहले ही देश की नाक कटवा चुकी है, जिसके चलते आपने नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया था। उस वक्त तो जब विदेश मंत्रालय से प्रधानमंत्री पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि यह फ्रिंज एलिमेंट है, आपकी अपनी प्रवक्ता, अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता जिसे आप फ्रिंज एलिमेंट बता रहे थे। प्रवेश साहिब सिंह बार बार इस तरह के बयान दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी खामोशी बहुत ही शॉकिंग है। आपको कायदे से इसको बुलाना चाहिए और बोलना चाहिए कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, तुम क्यों आमादा हो देश को एक नए आर्थिक संकट के सामने लाने के लिए, क्योंकि इसका सीधा नुकसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी और को नहीं, आपके तीन परम मित्रों को होने वाला है। क्योंकि अगर यह बयान एक बार फिर परवान चढ़ा और विवादास्पद बना तो एक बार फिर जो बिजनेस इंटरेस्ट है मध्यपुर में उस पर असर पड़ेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि आपने नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर इसलिए निकाला था क्योंकि मुस्लिम देशों में इसका भारत को आर्थिक नुकसान हो रहा था। आपको कायदे से बुलाना चाहिए और प्रवेश साहिब सिंह को दो तीन बातें करनी चाहिए। बात नंबर एक, जब बीजेपी ने अपने पार्टी के प्रवक्ताओं को फरमान जारी कर दिया है कि आप दूसरे धर्म के लोगों पर टिप्पणी नहीं करेंगे, निजी विचार जाहिर नहीं करेंगे, बगैर रिसर्च के अपनी बात नहीं करेंगे, भड़काऊ बातें नहीं करेंगे, तो यह विवादास्पद सांसद फिर से बात कह रहा है, आप खामोश क्यों हैं? मुद्दा नंबर दो, आपको प्रवेश वर्मा को बुलाकर यह कहना चाहिए कि तुम्हारी विरासत दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह की है, एक निहायत ही सौम्य स्वभाव के बीजेपी नेता, क्योंकि साहिब सिंह से मैं भी कई बार मिला हूं, मैं जानता हूं उनकी क्या शख्सियत थी। उनके मुंह से कभी भी आप कोई वाहियात, अश्लील या इस तरह का भड़काऊ बयान नहीं देखते। वो आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनका बेटा थोड़ी सी भी सीख अपने पिता से नहीं ले पाया। आज यहां नहीं तो वहां यह आदमी इसी तरह की वाहियात बयानबाजी करते रहता है। प्रधानमंत्री आप खामोश हैं, क्योंकि दिल्ली के चुनावों में इस आदमी ने कहा था कि शाहीन बाग के लोग आपके घर में घुसकर आपकी बच्चियों, आपके परिवार की महिलाओं के साथ दुष्कर्म करेंगे। यह आदमी बार बार अपनी तमाम हदों को पार कर रहा है और आप प्रधानमंत्री खामोश बने हुए हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि देश के अमन चैन के साथ कितना ज्यादा खिलवाड़ होगा और आखिर आपको ऐसा क्या चाहिए जिसके बाद इन मुद्दों पर आप अपना मुंह खोलेंगे। प्रधानमंत्री, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जब आप अमिताभ बच्चन को उनके 80th बर्थडे पर मुबारकबाद दे सकते हैं, तो क्या आप अपनी तरफ से प्रवेश वर्मा का, चलिए नाम मत लीजिए, मगर कम से कम एक बयान दे सकते हैं कि राजनेताओं को इस तरह से सांप्रदायिक भड़काऊ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, इस तरह से लोगों को उनके धर्म, उनकी जाति के आधार पर निशाना नहीं साधना चाहिए? लगातार आपके पार्टी के नेता और संघ से जुड़ी संस्थाएं भारत को इसी तरह से शर्मिंदा कर रहे हैं और आप प्रधानमंत्री खामोश बने हुए हैं। मैं नहीं जानता कि आपको आखिर ऐसी किस चीज की जरूरत पड़ेगी कि आप आगे आएंगे और कहेंगे बस अब और नहीं। आप एक लक्ष्मण रेखा खींचेंगे कि इसके आगे अगर तुम बढ़े तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बड़ी बात, दिल्ली पुलिस ने अब तक प्रवेश साहिब सिंह से पूछताछ तक नहीं की है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री इस नेता को त्वरित पार्टी से निकालिए, सस्पेंड मत कीजिए, निकालिए, क्योंकि यह आदमी इसी तरह से इतिहास दोहरा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, लगातार विपक्ष भी इस पर उग्र तेवर अपना रहा है। आपके सामने तेजस्वी यादव पार्टी की एक समारोह में, यानी कि आरजेडी के एक समारोह में, उन्होंने कहा कि जिन मुसलमानों पर साहिब सिंह वर्मा के बेटे यानी प्रवेश वर्मा हमला बोल रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हीं मुस्लिम देशों से
पेट्रोल आता है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है, इस तरह की बयानबाजी। सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा। क्या सोच रहे जरा उस सांसद को बता दीजिए, भाजपा वालों को, कि जितना डीजल पेट्रोल आता सब मुसलमानी कंट्री से आता है, तो क्या डीजल और पेट्रोल लेना कम कर देंगे क्या? और कितने मुसलमान देश में आप देखिएगा कि कितनी बड़ी आबादी हमारे देश के लोगों की है जो विदेश जाके रोजी रोटी करते हैं। अगर वहां भी ऐसा हाल होगा तो एक झटके में करोड़ों लोग जो है रोड पर आ जाएंगे हमारे देश के लोग। आज यही भाजपा की ऐसी सोच है जिसके वजह से हमारी आर्थिक स्थिति देश का गड़बड़ा गया, चौपट कर रखा है। और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, कांग्रेस भी सामने आई है। कांग्रेस ने तो यह तक कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में तरक्की करने के लिए इसी तरह की बयानबाजी की जरूरत पड़ती है। और पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रुनेत ने देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का जिक्र किया कि अनुराग ठाकुर ने वो बयान दिया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो वाला बयान, और उसी के बाद उनका प्रमोशन हो गया था। जी हां, यह वही दौर है जब प्रवेश वर्मा शाहीन बाग के बारे में अश्लील और वाहियात बयानबाजी कर रहे थे। सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है कि ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के दंगों के दौरान भी ऐसी कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी, और नंदकिशोर गुर्जर को तो सबने देखा था कैसे किसान आंदोलन में हाथापाई और मारपीट करने इनके गुंडे पहुंच गए थे और खुद भी पहुंच गए थे। ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ये सबसे प्रबल तरीका है सक्सेसफुल होने का, सफल होने का। इन सबके आराध्य, इन सबके रोल मॉडल अनुराग ठाकुर जैसे लोग हैं। मंच से नारा लगवाओ, गोली मारो डैश को, और उसके बाद जाकर कैबिनेट मंत्री बन जाओ। तो इन लोगों को लगता है ये सबसे शोर शॉट तरीका है, सटीक, ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। मगर आप जानते हैं सबसे अजीबोगरीब बात, इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से खामोश हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कायदे से उन्हें बोलना चाहिए। और हम ये ना भूलें कि इसी प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के बारे में कितनी अश्लील बात कही थी। मैं चाहूंगा आप सुने प्रवेश साहिब सिंह, प्रवेश वर्मा क्या कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में, सुनिए। हजारों लाखों कमीने जब वो मरते होंगे तब एक ऐसा ये जो है ना पैदा होता होगा, किसी राक्षस को अगर कुर्सी पर बिठा दो उसके मन में भी ये आएगा कि भाई मेरे को कुर्सी पर बिठाया है, मैं राक्षस हूँ, मैं कमीना हूँ, झूठा हूँ, कोई बात नहीं, अभी लोग मर रहे हैं उनकी तो मदद करूं। इससे घटिया इंसान भगवान करे उसको जीते जी कीड़े मकोड़े पड़े। इस बयान के बाद भी आप अरविंद जी खामोश हैं? आप जो भड़काऊ बयान प्रवेश वर्मा ने दिया उस पर आपने एक भी टिप्पणी नहीं की। क्या वोट्स हासिल करना आपके लिए इतना जरूरी हो गया है? देखिए, कम से कम कांग्रेस की इस बात को लेकर तारीफ की जानी चाहिए कि पार्टी के नेता लगातार सांप्रदायिक तौर पर जो भड़काऊ बयानबाजी भाजपा के नेता कर रहे हैं उस पर वो रोज टिप्पणी कर रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बता रहे हैं। सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है। मोदी जी के छोटे भाई, छोटा रिचार्ज अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, और जब दिल्ली में बुलडोजर चलता है, जब दिल्ली में दंगे होते हैं, जब जंतर मंतर पे काटो काटो का नारा लगाया जाता है, या अब जब दिल्ली में दिल्ली के सांसद एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी मौन व्रत धारण कर लेते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि यह संघ का, मोदी जी का छोटा रिचार्ज है। क्योंकि देखिए, मैंने जो आपको प्रवेश वर्मा का अरविंद केजरीवाल के बारे में बयान सुनाया था, इस बयान को लेकर आम आदमी पार्टी बुरी तरह से बौखला गई थी। पार्टी के सांसद संजय सिंह सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि भाजपा के नेता इस बयान पर क्यों कुछ नहीं कहते। क्योंकि आपको याद होगा पार्टी के एक नेता हैं गोपाल, गुजरात के प्रभारी हैं, आज से 2 या 3 साल पहले उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कहा था कि प्रधानमंत्री नीच हैं, जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। हालांकि उस वक्त वो आम आदमी पार्टी से नहीं जुड़े थे। अब आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो लोग
गोपाल के उस 2 या 3 साल पुराने बयान का जिक्र कर रहे हैं, वो दरअसल प्रवेश वर्मा के बयान को भी वायरल करें जो उन्होंने एक चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में कहा था। किस तरह से भड़के संजय सिंह, खुद सुनिए आप। अपने सांसद का भी वीडियो जारी करो, हिम्मत है तो जारी करो इसका वीडियो। एक मुख्यमंत्री के लिए किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है इसका वीडियो जारी करो ना। मैं पूरी की पूरी बीजेपी के आईटी सेल से कहना चाहता हूं, पूरी की पूरी बीजेपी की लीडरशिप से कहना चाहता हूं, इस वीडियो को जारी करो और अपना पक्ष बताओ, क्या तुम्हारी सोच है इस वीडियो को लेकर। दोस्तों, राजनीति एक तरफ है मगर हकीकत यह है कि हमारे समाज में ऐसे सांसद, ऐसे नेताओं की कोई जगह नहीं है जो समाज के भाईचारे को तहस नहस करें। क्योंकि जब देश का भाईचारा बिगड़ेगा तो ये मत सोचिए कि इससे सिर्फ मुसलमानों पर असर पड़ेगा या सिखों पर असर पड़ेगा या सिर्फ माइनॉरिटीज पर असर पड़ेगा, नहीं, इसका असर सब पर पड़ने वाला है क्योंकि इस समाज में हम सब एक डोर से बंधे हुए हैं। हम सुख शांति से तरक्की करना चाहते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। हमारी सरकार को यह बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि शांति से अपनी रोजी रोटी कमाने का जो हमारा अधिकार है वो हमसे छीन लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुद्दों पर खामोश रहकर कहीं ना कहीं वो अधिकार हमसे छीन रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, प्रधानमंत्री आप अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर तो बोलते हैं मगर प्रवेश वर्मा पर खामोश हो जाते हैं, जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक बात है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।